कंगना बहन के सपोर्ट में सब लोग को आना चाहिए, क्योंकि वही एक शेर मर्दानी है जो आज इस पूरे बॉलीवुड गैंग को ना नाको तने चने चबवा दिए हैं। आज ये बौना आमिर खान बोल रहा है, कल का ये जो सबसे बड़ा इस्लामिक है शाहरुख खान बोलेगा, सलमान खान बोलेगा, ये सब एक बहुत बड़ा इस्लामिक टेररिस्ट है जो मानसिक रोग से बीमार हैं। देखिए, नहीं अपने उनको मूवी को सक्सेसफुल बनानी है, लेकिन जो उनके अंदर जो जिहाद भरा हुआ है, जो उनके अंदर जो एक आतंकवादी है, ये वो आतंकवादी निकल रहा है बाहर, ठीक है, वो बम तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये जुवानी बम फोड़ रहा है, जुवानी बम फोड़ करके अपने दिल को तसल्ली दे रहा है और अपने गैंग को एक एक ठंडक दे रहा है, जो यहाँ पे एक बहुत सारा जो एक गैंग बैठा हुआ है ना, जिसके दिल में ठंडक वो पहुँचा रहा है, उसका ये बयान सेकुलर गैंग के दिल पे ये ठंडक पहुँचा रहा है। एक चीज़ बताइए, आपने तुर्की ही क्यों चुना? आप पत्रकार महोदय, आप मेरे से ज़्यादा जानने वाले हैं और ज़्यादा जगह घूमते हैं, आप कह रहे हैं कि तुर्की चुना उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है। तुम एक चीज़ बताओ, मेरे ही देश का पैसा ले जा करके तुम तुर्की जैसे देश में तुम लुटा रहे हो, जो जान रहे हो एकदम जान समझ करके कि हाँ हमारे देश का वो दुश्मन देश है। आज आपको चुनना था ना, ऑस्ट्रेलिया चुन लेते, यूएस चुन लेते, वहां नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे आतंकिस्तान नहीं है, वहां आतंकियों को घुसने नहीं दिया जाता है, वहां भारत विरोधी चीजें नहीं होती है, वहां आतंकी लोग नहीं बैठ के भारत विरोधी चीजें को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सब इनकी मानसिक प्रवृत्ति का कारण है, हमारे देश का पैसा ले जा करके उस दुश्मन देश को दे रहे हैं और वहां पे इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। एक चीज बताइए, भारत छोटा देश है? भारत एक बहुत बड़ा देश। और आमिर खान से क्या लेते हैं सर? आमिर खान से घटिया घटिया मैं कह रहा हूं आपको देखने को नहीं मिलेगा। याद है ना पीके मूवी इसकी, जो कितना आलोचना का शिकार हुआ था और सिर्फ कुछ सेकुलर हिंदुओं के कारण ये मूवी चली थी, नहीं तो ये मूवी का बाइकआउट होना था। हर देवी देवता के बारे में गलत चीज उसमें दिखाया गया था। कहां मर गए? आज एक मोहम्मद का नाम ले लो आप, आज एक मोहम्मद के बारे में, उस दिन भी जो बंगाल में सॉरी यहां पे बेंगलोर में जो हिंसा हुआ है, उस दिन भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक बात कही गई थी, उसके रिप्लाई में उसने नवीन कुमार ने जो भी लिखा लिखा, उसके बाद नवीन कुमार का घर जला दिया जाता है, पूरा 100 गाड़ी जला दिया जाता है, और कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग को फांसी देना चाहिए और इसकी संपत्ति जब्त करके पूरा पैसा वसूलना चाहिए ताकि आगे से ऐसा कार्य ना हो। लेकिन पता नहीं यहां का जनता भी और जनता जो सेकुलर जनता है वो सब सो रही है, और मैं तो कहूंगा पूरा भारत ही सो रहा है इस टाइम। और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से अगर इन लोग का दवा नहीं होगा, आज ये बौना आमिर खान बोल रहा है, कल का ये जो सबसे बड़ा इस्लामिक है शाहरुख खान बोलेगा, सलमान खान बोलेगा, ये सब एक बहुत बड़ा इस्लामिक टेररिस्ट है जो मानसिक रोग से बीमार हैं। अच्छा, अभी जो कंगना रनौत का भी इस पे बयान आया, पहले भी सुशांत सिंह के मुद्दे पे लगातार वो बोलती रही हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आज आया है कि शुरू से ही ये जो हैं सेकुलर हैं आमिर खान, और इस तरीके से जो बोल रहे हैं तो कंगना लगातार इनको टारगेट लेती रहती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सच के साथ और देश के साथ खड़ी होती हैं। सुशांत सिंह मामले में भी काफ़ी बोल रही हैं, क्या समझते हैं कि कंगना का बोलना सही है? बिल्कुल, कंगना मैं सलाम करता हूँ, कंगना जी को, कि वही एक ऐसी हैं लेडी, साफ तौर पे अपने हैंडल से बोल रही हैं कि ये कट्टरपंथी सोच वाले व्यक्ति। देखिए वो बहुत, और मैं कहता हूं कंगना बहन के सपोर्ट में सब लोग को आना चाहिए, क्योंकि वही एक शेर मर्दानी है जो आज इस पूरे बॉलीवुड गैंग को ना नाको तने चने चबवा दिए हैं। तो मैं कहूंगा कि कंगना बहन का सबको साथ देना चाहिए, और वो बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका एक एक वाक्य बोला गया बिल्कुल 100% सही है, उसमें सत्यता है। ये लोग सही में ये लोग हैं मानसिक बीमार हैं, और नेपोटिज्म फैलाने में इन लोग का ही हाथ है, और बिल्कुल वो सही बोली हैं कि एक्चुअली एक चीज बताइए, गंगा जमुना तहजीब सिर्फ वो हिंदुओं पर ही लागू होता है? जब तुम्हारा आता है, तुम्हारा नंबर आता है, तो तुम कहते हो अपने बच्चों को नहीं जी स्ट्रिक्टली इस्लाम फॉलो करना है, तो मानसिक बीमार तो तुम हो ना। वही चीज की हिंदू प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू मुस्लिम कैसे? बिल्कुल यही चीज। तो एक्चुअली क्या है, इन लोग को मैंने आपको क्या बताया कि आप इनको कितना भी प्यार दे, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, और कुत्ते का दुम कितना भी आप सीधा कर लो वो टेढ़ा ही रहता है, तो ये बिल्कुल ये कुत्ते की दुम की तरह है। और अच्छा, अभी जैसे अब ये जो फिल्म जो बन रही है, क्या लगता है कि इस फिल्म का बायकॉट होना चाहिए? जिस तरीके से अभी सड़क 2 का भी देखा गया, मोस्ट डिसलाइक
वीडियो बन गई, उसी तरीके से क्या ये जो आमिर खान की फिल्म है इसका होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए लाल सिंह चड्ढा, अब ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसमें भी अपना कहीं ना कहीं इस्लामिक जो मानसिक है उसी को दर्शाएगा। नाम बेशक लाल सिंह चड्ढा दिया है इसने हर मूवी में, जैसे पीके में अपनी मानसिक प्रवृत्ति को जो ये छलकाया है उसी तरह से लाल सिंह चड्ढा में भी वही करेगा। लेकिन देश के जनता को ध्यान रखना है कि ऐसे देशद्रोहियों का बहिष्कार होना ही बहुत जरूरी है, नहीं तो आज जान लेना कि हम इसका मूवी का टिकट लेकर के अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोदेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि ऐसे टेररिस्ट का, मैं तो कहूंगा 100% ये टेररिस्ट है, बम फोड़ने वाला ही टेररिस्ट नहीं होता है, जुबान से ये बम फोड़ने वाला एक टेररिस्ट है, मानसिक रूप से ये एक टेररिस्ट है, तो इसका बहिष्कार होना बहुत ही जरूरी है, एकदम 100% बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं युवाओं का अब नजर खुल चुका है, अब वो युवाओं समझ रहे हैं कि हाँ ये टेररिस्ट है, ये इसके दिमाग में बस पाकिस्तान बसा हुआ है, पाकिस्तान प्रेम साफ साफ दिख रहा है। तो अब ये जो है युवा जाग चुका है, अब मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये मूवी इसकी फ्लॉप जाएगी 100%।